हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है प्रतीक और आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं डारविन थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का नाम शायद आपने इसके पहले सुना होगा या हो सकता है नहीं भी बट जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं डार्विन और डार्विन के काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डार्विन इस थेरी के माध्यम से क्या कहना चाहता है सो so लेट्स

का मतलब है कि दे हैव टू शो इजेंशियल मॉडिफिकेशंस। नेचर में सर्वाइव करने के लिए जिस प्रकार के चेंजेस आवश्यक है है, इन दैट हैव टू करता है जो फिट ऑर्गेनिजम्स जो इन्वायरमेंट में सस्टेन हो सकते हैं कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड गिव टू न्यू स्पेसिस विद ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स So this is the concept of Darwin theory of natural selection. Now we will see those objections which were raised against this theory. Number 1 is natural selection is not the only factor responsible for evolution. Number 2 Darwin didn't mention any explanation about useful and useless modifications. Means, कोई बॉडी पार्ट अगर मॉडिफिकेशन शो करता है तो उस मॉडिफिकेशन के लिए पर्पस है या नहीं है बॉडी फंक्शनिंग में वो यूजफुल है या नहीं है सो डार्विन हैज नॉट मेंशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़फुल एंड यूज़लेस मॉडिफिकेशन नंबर इज़ इज़ नो सो so फ्रेंड्स आने वाले समय में आपको कई सारा यूजफुल स्टडी मटेरियल और नॉलेज हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है वी हैोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो